Good morning friends, welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in। टुडे 5 दिसंबर है, वेनसडे है। इस वीक का थर्ड ट्रेडिंग सेशन है। आज एक मेजर इवेंट है, आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है दोपहर को 2:30 PM। तो हो सकता है जैसे कि पास्ट में हम कई बार देखते आ रहे हैं कि जब मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई की, तो जब तक वो पब्लिश ना हो, जब तक वो ओपन ना हो, तब तक मार्केट में एक स्लगिश पैटर्न, साइडवेज पैटर्न बनता है। और जैसे ही आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट दिखाई देता है। तो ऐसे इवेंट के वक्त जो कंपल्सिव ट्रेडर्स है वही ट्रेड करने के लिए देखें। जो फ्रेशर्स है, जो नए हैं स्टॉक मार्केट में, वो एक अंदाज़ा ले कि ऐसे इवेंट्स के माहौल में, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है। ठीक है, तो आज काफ़ी रिस्की होगा ट्रेड करना, स्टॉप लॉस काफ़ी हिट हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए, कॉशियस रखिए ट्रेड करते वक्त। तो आज क्या निफ्टी में होगा ये देखते हैं, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे। ये पिक्चर यानी कल 4 दिसंबर आफ्टर मार्केट आवर्स लिया हुआ पिक्चर है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। कल के स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारा ब्रेकआउट लेवल था 10,934 और फर्स्ट टारगेट था 10,950। अगर निफ्टी टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव होता है तो, और अगर साउथ की तरफ मूव होता है तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल था 10,849 और फर्स्ट टारगेट था 10,839, सेकेंड टारगेट था 10,815। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये निफ्टी ओपन होने के बाद टुवर्ड्स साउथ की तरफ मूव हो रहा था और जैसे कि हमारा ब्रेकडाउन लेवल था 10,849, यहाँ पर इसने पहला तो सपोर्ट टेस्ट किया और जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो काफ़ी छोटा था 10,839 पिवट पॉइंट के हिसाब से, वो अचीव हुआ। और कल के इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से 10 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और अगर 10 लॉट के हिसाब से ट्रेड करते तो अराउंड 7,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस स्ट्रैटेजी का एक छोटा सा क्विकली रिव्यू। चलते हैं, ग्लोबल मार्केट से शुरू करेंगे। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स और नास्डैक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स करीब 800 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ, नास्डैक भी 283 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट भी सभी लाल निशान में बंद हुए और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो वहाँ भी दबाव देखने को मिल रहा है। निक्केई 117 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड करा है। चाइना मार्केट 20 पॉइंट्स डाउन है, हैंग सेंग भी 420 पॉइंट्स डाउन है और डाउ फ्यूचर देखिए तो 70 पॉइंट की बढ़त दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर फ्यूचर, डाउ फ्यूचर में थोड़ी रिकवरी आ रही है और एसजीएक्स निफ्टी अभी 36 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से फिलहाल अभी थोड़े निगेटिव संकेत आ रहे हैं। तो इसका असर निफ्टी में क्या होगा, क्या इंट्राडे स्ट्रैटेजी होगी, ये देखते हैं। वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। यह है निफ्टी का वीकली चार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर अभी बुलिश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तीनों मूविंग एवरेज असेंडिंग ऑर्डर्स में आ गया और उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये लास्ट वीक का जो कैंडलस्टिक है, इसका हाई जो 10,922 है, इसके ऊपर अभी 2 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं इस वीक के, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। ये जो 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 10,882, इसके नीचे ये क्लोज हो रहा है। तो ऊपर अगर निफ्टी टूवर्ड्स नॉर्थ का मूवमेंट देखना है तो लास्ट वीक का हाई कंफर्टेबली ब्रेक करना होगा, इसके ऊपर सस्टेन करना होगा, तो ही हमें 11,000 के लेवल्स फिर से एक बार दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये है वीकली चार्ट का सिनारियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में हमने जैसे कल आपको यहाँ पर दिखाया था कि यहाँ पर एक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जब भी अप ट्रेंड में आता है और उसके बाद उसके आगे अगर बेयरिश कैंडलस्टिक्स बनती है तो इसे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। और ये डाउन ट्रेंड यानी शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड का भी सिग्नल होता है ये, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं अप ट्रेंड में है तो थोड़ा करेक्शन आना यहाँ पर लाजमी है। अगर करेक्शन आता है तो फर्स्ट सपोर्ट ये जो 100 EMA का लाइन है, ये अराउंड 10,770 के पास है। ठीक है, और वीकली चार्ट में 20 EMA ये जो पिंक लाइन है 20 EMA ये भी 10,770 के पास है, ऑलमोस्ट 10,776। तो यहाँ पर 10,770 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक का पैटर्न फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न फॉर्म हो सकता है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, ये पॉसिबिलिटीज है, एनालिसिस कर रहे हैं हम। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। ऊपर में 10,882 ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, पास में इसने कई बार सपोर्ट का काम किया था जो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो ये अगर कंफर्टेबली ब्रेक होता है तो ही हमें 11,000 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, ये जो 10,941 का हाई लगाया है इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा तो ही हमें 11,000 और 61.8% के लेवल अचीव होते हुए दिखाई सकते हैं। फिलहाल अभी निफ्टी अगर साउथ की तरफ मूव करता है तो 10,770 का ये फर्स्ट स्ट्रांग सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट आ रहा है, दो टाइम फ्रेम के चार्ट्स में यहाँ पर मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं। तो 10,770 काफ़ी अहम सपोर्ट है, ठीक है। तो चलते हैं 60 मिनट के चार्ट पे। ये उसके पहले 2 आवरली चार्ट में हमने कल भी देखा था कि यहाँ पर ट्रिपल टॉप टाइप का पैटर्न बन रहा है और ये जो नेक लाइन है 10,850 ये काफ़ी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये अगर ब्रेक होता है, ये अगर ब्रेक होता है तो नीचे 20 EMA का तुरंत एक सपोर्ट है एज पर 2 आवरली चार्ट जो कि 10,825 के पास है। फिर अगर ये भी अगर ब्रेक होता है तो 50 EMA जो कि 10,724 के आसपास है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिर एक बार बन रहा है अगर 20 EMA ब्रेक होता है तो एज पर 2 आवरली चार्ट, ठीक है। तो चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि 2 आवरली चार्ट में भी 10,850 का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस है यहाँ पर सपोर्ट ये फेस कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। तो ये अगर ब्रेक होता है तो आज तुरंत S1 का सपोर्ट लेवल है 10,838। तो यहाँ पर ये अगर लेवल ब्रेक होता है ना कंफर्टेबली, ये अगर लेवल ब्रेक होता है कंफर्टेबली पिवट पॉइंट का S1 का लेवल, तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन हम बना सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट हमारा तभी होगा, हमारा फर्स्ट टारगेट तभी होगा 10,814, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट 10,807, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा, ठीक है। और अगर निफ्टी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो पिवट पॉइंट का R1 का लेवल अगर ब्रेक होता है 10,895 तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन हम बना सकते हैं। और तभी फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 10,922। 10,895 क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट 2 डेज से यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये 1, 2, 3 यहाँ पर 4 बार ये रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पर फेस कर रहा था। तो ये कंफर्टेबली अगर ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में, तो ये इंट्राडे के लिए हम बाय कर सकते हैं और 10,922 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। तो ये थी आज के लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई हमारा वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसकी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।